सर आए दिन जो घटनाएं होती रहती हैं उसको लेकर के अवेयरनेस का बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, कहाँ आ पाए हैं और क्या कोशिश अवेयरनेस का? देखिए आनंद नगर से नौतनवा रूट पर ये एक अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है। इस लेवल क्रॉसिंग को भी हम लोग बंद करने की तैयारी में हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडियन रेलवेज़ इस साल अपने सारे लेवल क्रॉसिंग्स को या तो मैन कर देगी या उन पर गेट मित्र लगा देगी। ये लेवल क्रॉसिंग जो अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग है इसको भी, इस पर भी एक गेट मित्र लगा हुआ है जिसकी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक रहती है। फिर भी गाँव वालों को जागरूक करने के लिए हम लोग समय समय पर जगह जगह इस तरह की सतर्कता, ये संरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं जिसमें नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, पैम्फलेट वितरण के माध्यम से, कैलेंडर वितरण के माध्यम से, स्कूलों में जाकर और ऐसे जो पब्लिक प्लेसेस जैसे यहाँ पर ये मंदिर पर हम लोग एक आयोजित किया कार्यक्रम, तो इसमें हम लोग जो लोकल जो लोग हैं, गांव वाले हैं, विशेष तौर से बच्चे हैं जो कि आगे चल के इस देश के भावी नागरिक हैं होंगे, उनको हम लोग जागरूक करते हैं ताकि वो लेवल क्रॉसिंग्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक और जिम्मेदारी से पार करें ताकि इस पर होने वाली दुर्घटनाओं पर कमी लाई जा सके। और पूर्वोत्तर रेलवे अपने इस प्रयास में विशेष तौर से बहुत काफ़ी सफल रहा है और ये प्रोग्राम जो है पूरे पूर्वोत्तर रेलवे में समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। सर इस नाटक से कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक तो गाँव का इलाका है और इस नाटक ऐसे हैं कि लोगों को जल्दी क्लिक करता है, देखिए यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लिखा पढ़ने की बजाय जो आँख से देखा जाता है और ख़ास तौर से अगर आपकी अपनी भाषा में किसी बात को आपको मज़ेदार, रोचकपूर्ण और अच्छे तरीके से आपको बताई जाए तो वो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में रजिस्टर रहती है। और जब भी आप ऐसी किसी स्थिति में होते हैं जब आपके सामने कन्वेंट लेवल क्रॉसिंग आता है और आप उसको पार करने की तैयारी में होते हैं तो ये जो नुक्कड़ नाटक जो आपने कभी किसी समय देखा होगा वो ज़रूर उसमें बताई हुई बातें आपके दिमाग में रहती हैं और आप जिम्मेदारी का एहसास आपको तुरंत होता है।